यूपी के अमरोहा में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको बता दें कि अमरोहा पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 15 लाख के नकली नोट और नोट छापने के उपकरण बरामद किए हैं। इनके पास से 2000, 500 और 50 के नकली नोट के साथ अमेरिका, थाईलैंड, मलेशिया की भी करेंसी बरामद की है। आपको बता दें मामला हसनपुर कोतवाली इलाके के गंगवार गांव का है। अमरोहा के एसपी संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि पाकिस्तान के कराची के रहने वाले गुलजार ने थाईलैंड में अपना घर बना लिया है। गुलजार ने थाईलैंड से ही कश्मीर के रहने वाले मुश्ताक से संपर्क किया और नकली नोटों का कारोबार शुरू करने की योजना बनाई। अमरोहा व मुरादाबाद जनपद के रहने वाले पंकज, नीरज, गजेंद्र और परवीन ने यह गोरख धंधा शुरू किया। कुछ दिनों पहले मुखबिर ने इस बात की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने बताए गए ठिकाने पर छापा मारकर इन आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया। एसपीएन 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।